नमस्ते, माय नेम इज़ आयुष मुदगल। आई एम फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। सब्जेक्ट नेम इज़ कंपनी लॉ, सेशन 1.2, कंटिन्यू, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ एनी नेचर ऑफ ए कंपनी एंड वी हैव डिस्कस so many points which describes how the what is the nature of company. We have remaining two or three or four points. We will discuss it in this lecture. So lastly, we discuss the concept of capacity to sue and to be sued. The next point is contractual rights. Contractual rights, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 से लेकर 25 तक जनरली पढ़ें, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हम कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंडीशंस हैं फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चार कंडीशंस हैं। पहली है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है फ्री कंसेंट, थर्ड इज़ लॉफुल कंसिड्रेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ वन इज़ नॉट बार्ड बाई लॉ। सो इन फर्स्ट कंडीशन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर लिखा गया है कि 18 प्लस को कंसिडर किया जाएगा एज ए मेजर, एंड मेजर ओनली मेजर कैन मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर देन दैट सेक्शन 12 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ए साउंड माइंड पर्सन कैन ओनली मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो इन बोथ द कंडीशंस मेजर एंड साउंड माइंड अंडर कंपनी लॉ, अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज मेजर एज वेल एज साउंड माइंड। सो द फर्स्ट इन्ग्रीडियंट, द फर्स्ट कंडीशन फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड अंडर कंपनी लॉ। सेकेंड कंडीशन इज फ्री कंसेंट, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी इज मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बना रही है किसी के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कंपनी अपनी फ्री कंसेंट किस प्रकार दे सकती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन कंपनी को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फ्री कंसेंट का जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो हम एक केस पहले भी देख चुके हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेज श्री श्यामनाथ दास AIR 2000। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि कंपनी कैन एक्ट एज ए नेचुरल पर्सन थ्रू डेजिग्नेटेड पर्सन और डेजिग्नेटेड पर्सन्स। कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं जिनको डायरेक्टर्स बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की एक चीज़ होती है कंपनी के अंडर, जो कि इंटरनल मैनेजमेंट को संभालती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे, जैसा कि मैंने बताया था इसमें, कंपनी कैन एक्ट एज नेचुरल पर्सन थ्रू अ डेजिग्नेटेड पर्सन, एक व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, और दे कैन गिव द कंसेंट विच मस्ट बी फ्री अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एंड सेक्शन 10 की दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन है लॉफुल कंसिड्रेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसके लिए सेक्शन 23 है, जो लॉफुल कंसिड्रेशन मस्ट बी लॉफुल और कंसिड्रेशन एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी बार्ड बाय लॉ। सो अंडर सेक्शन 10 जो कंडीशंस हैं एक कंपनी अगर फुलफिल कर देती है, तो कंपनी किसी भी व्यक्ति के साथ कंपनी अपने नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी लॉ दोनों आपस में कोरिलेट होके चलेंगे पूरे कंपनी लॉ के अंडर। अब जब कॉन्ट्रैक्ट है तो देर इज़ ए टर्म अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं, ए और बी या जो भी हैं कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की दोनों साइड की जो पार्टीज़ हैं, प्रपोजर एंड एक्सेप्टर दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, या थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, उसका एक्सेप्शन कंसिडरेशन का वह अलग है, बट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल ऑफ प्रिविटी विल अप्लाई इन केस ऑफ कंपनी लॉ ऑल्सो। एग्जाम्पल, एक कंपनी है किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी अपने मेंबर्स से एकदम डिफरेंट होती है, कंपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, मेंबर्स अलग 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 पर्सनैलिटी होती है, तो मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट और कैन नॉट एनक्रोच द कॉन्ट्रैक्ट ए और बी। एक ए कंपनी और मिस्टर बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ जो हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो भी अराइज़ होंगे, ये दोनों दोनों को ही फुलफ़िल करने पड़ेंगे। अगर कोई राइट्स अराइज़ हो रहा है, तो ये दोनों ही उस राइट को एंजॉय कर सकते हैं, और कोई ऑब्लिगेशन हो रहा है, तो ये दोनों ही उस ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करेंगे। थर्ड पार्टी इसमें एंटर नहीं कर सकती है, वॉलेट नहीं कर सकती है। कंपनी के संदर्भ में कंपनी ही, कंपनी थ्रू अ डेजिग्नेटेड पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जिसने फ्री कंसेंट दी है, वो उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे ए कंपनी वर्सेस मिस्टर बी, ए कंपनी के बिहाफ पे मिस्टर एक्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर थे, उन्होंने फ्री कंसेंट दी कंपनी के बिहाफ पे, नेचुरल पर्सन के तौर पे कंपनी को मान लिया गया था क्योंकि उन्होंने फ्री कंसेंट दी है। अब अगर कोई इशू हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो मिस्टर एक्स हैं वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने फ्री कंसेंट दी है, वो उनके अलावा और कोई भी मेंबर कंपनी के बिहाफ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। का इसलिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि कंपनी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट बाय इटसेल्फ एंड कंपनी हैव कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से राइट अराइज होता है, तो कंपनी कैन एन्जॉय दैट राइट, एंड कोई ऑब्लिगेशन होता है, तो कंपनी को उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होगा। द कंपनी एज ए लीगल पर्सन कैन टेक एक्शन टू द एनफोर्स इट्स लीगल राइट और बी शूड फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स लीगल राइट। इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंटिंग मेंबर्स। कंपनी के जितने भी राइट्स हैं, या कॉन्ट्रैक्ट से जो भी राइट्स अराइज हो रहे हैं, ड्यूटीज अराइज हो रही हैं, अगर वो ब्रीच हो रहे हैं, तो कंपनी सू कर सकती है। अगर कोई ऑब्लिगेशन है, कंपनी ने ब्रीच किया है, तो उस पे केस हो सकता है, कंपनी के नाम पे केस हो सकता है। राइट्स अराइज हुए हैं, तो कंपनी खुद एंजॉय कर सकती है। सो इन दिस पॉइंट कंपनी हैज द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है, तो कंपनी का, मैंने जैसे भी बताया आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी जाती हैं इनकॉर्पोरेशन के समय पे, कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी, कंपनी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, कंपनी की शेयर कैपिटल कौन कौन हो के कितनी होगी, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं, तो पहले ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, सारी चीज़ें जिस प्रकार हम हर एक्ट में देखते हैं, हम सेक्शन एक और दो में, जो सेक्शन एक में लिखा होता है कि ये एक्ट यहाँ तक एप्लीकेबल होगा, कंपनी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है, इसी प्रकार हर कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है, उसके अलावा कंपनी और कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर सकती है। अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है कि कंपनी शू एंड लेदर बिजनेस करेगी, तो वो कंपनी उस कैपेसिटी में और कोई बिजनेस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले ही लिखा जा चुका है। तो इस पॉइंट का मतलब है लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। जो भी एक्शंस करेगी कंपनी, जो भी एक्ट करेगी, वो लिमिटेड हैं। किस चीज़ से लिमिटेड हैं, लिमिटेशंस कहाँ से पैदा हो रही हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है, उससे लिमिटेशन अराइज हो रही है कि कंपनी विल लिमिटेड टू
इट्स एक्शंस इन रिगार्ड्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट मैनेजमेंट. जैसा कि शुरू से यही बात बोलता आ रहा हूँ कि कंपनी और मेंबर्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, कंपनी किस प्रकार चलेगी, क्या क्या बिजनेस करेगी, उस किस प्रकार बिजनेस करेगी, वो सारी चीज़ें कंपनी का मैनेजमेंट अलग से होता है. इसके मेंबर्स का मैनेजमेंट अलग है और कंपनी का मैनेजमेंट अलग है. कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए कुछ व्यक्तियों को कुछ पावर्स दे दी जाती हैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड जो कि तीनों मिलके एक बोर्ड बनाएंगे जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाएगा, और ये ही कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डेंस में कार्य करेंगे. तो कंपनी का मैनेजमेंट सेपरेट होता है, कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए काम करता है. उसके अलावा वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट. कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक जो भी एक्शन लिए जाते हैं, जो भी कभी भी कंपनी बनाई जा रही है, एक कॉरपोरेशन बनाए जा रहे हैं, सबका मोटिव बेसिकली फॉर देयर ओन बेनिफिट या कहें कि गेनिंग प्रॉफिट. तो कंपनी को एक टर्म दे दी गई है कि कंपनी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है, एक एसोसिएशन होता है या कॉरपोरेशन होता है, बॉडी होती है जो कि जिसमें कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वॉलेंटरीली एंटर करते हैं, किसी को फोर्सफुली या विदाउट फ्री कंसेंट कंपनी से कंपनी में ऐड नहीं हो सकता है कोई भी मेंबर. वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स फॉर गेनिंग प्रॉफिट. एक कंपनी एक ऐसी चीज़ है जो कि एसोसिएशन है, वॉलेंटरी बनी हुई है, और किस चीज़ के लिए बनी हुई है, वो मेन मोटिव है प्रॉफिट. अगर वो बात की बातें हैं, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, बट कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट ही है. अ कंपनी इज़ ए वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट. इट इज़ फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम स्टेटेड गोल्स एंड व्हाटसो एवर प्रॉफिट इज गेन इज डिवाइडेड अमंग इट्स शेयर होल्डर और सेट फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले ही गोल्स लिख दिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं कि हम इस प्रकार का बिजनेस करेंगे जिसके थ्रू हम प्रॉफिट लेने का प्रयास करेंगे. कंपनी का मोटिव यही होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा, या फिर कंपनी उसको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अपने पास रख सकती है, जिसको आगे चल के हम बोलेंगे डिविडेंट. डिविडेंट होता है कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसको डिविडेंट बोलते हैं. और लास्ट पॉइंट है हमारा टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. कंपनी की एग्जिस्टेंस टर्मिनेट नहीं हो सकती. जैसा कि मैंने बताया था आपको, आपने पॉइंट पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकती है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है. मेंबर्स की डेथ हो सकती है, मेंबर्स डिपार्ट हो सकते हैं, नए मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, बट उससे मेंबरशिप के नंबर या मेंबरशिप पे अफेक्ट पड़ सकता है, बट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अनलेस कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके थ्रू कंपनी को टर्मिनेट किया जा सकता है. क्या क्या है? बाय मींस ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप का मतलब जनरली ये होता है कि कंपनी अब इंसॉल्वेंट हो चुकी है, कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मैच करके, जितने भी डेट्स हैं वगैरह क्लियर करके कंपनी की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में उस कंपनी को जिस प्रकार बनाया गया था उसी प्रकार उसको ख़त्म किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है. इसके अलावा और तो क्या है? या तो वाइंडिंग अप कंपनी ख़त्म, या फिर कुछ तरीके ऐसे हैं रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन. कुछ कुछ ये चीज़ें हैं जिनमें, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक ए कंपनी ने बी को टेक ओवर कर लिया या अमलगमेट हो गई. जैसे कोई कंपनी ए है उसको मर्ज कर लिया गया है, अमलगमेट कर दिया गया बी कंपनी के साथ, तो अब ए कंपनी का एग्जिस्टेंस ख़त्म है, वो बी कंपनी में मर्ज हो चुकी है. तो कंपनी का एग्जिस्टेंस ख़त्म इस प्रोसेस के थ्रू हुआ,
अमलगमेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और वाइंडिंग अप, ये चार ही तरीके हैं जिनके माध्यम से कंपनी को ख़त्म किया जा सकता है। अब हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनको एक लाइन में बोलूँगा, आप प्लीज़ लिख लेना इस लाइन को और एक बार पढ़िएगा। जब आप पूरे सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, नेचर नेचर के अंडर हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको उनको एक लाइन में समअप किया जाए, तो अ कंपनी इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट विद कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी हैविंग अ डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट एंटिटी एंड अ कॉमन सील विद परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन प्रॉफिट विद कैपिटल डिविजिबल इन ट्रांसफरेबल शेयर विद लिमिटेड लायबिलिटी हैविंग ए डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट एंटिटी एंड ए कॉमन सील एंड विद परपेचुअल सक्सेशन। जितने भी हमने पॉइंट पढ़े उनको समाप्त करके एक लाइन में बोल दिया गया है, ये है कंपनी की नेचर में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, उनको अगली बार आप रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।